इस बारे में क्या कहना? देखिए अध्यक्ष की बात करते तो पूरे अध्यक्ष करीब राणापुर में 8,000 मतदाता है, इसका नहीं कहा जाता है, लेकिन जैसे 8 नंबर वार्ड में पार्षद की हम लोग बात कर लेते हैं तो वहाँ सोशल मीडिया में या तो कांग्रेस आगे है या निर्दलीय आगे है, वहाँ बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे है। कारण है कि 8 नंबर में जो कांग्रेस उम्मीदवार है वो भी सोशल मीडिया में छाया हुआ है, निर्दलीय की बात करें तो वो भी छाया हुआ है, लेकिन जैसे ही हम बीजेपी की बात करते हैं तो वहाँ 8 है नहीं, तो वहाँ क्या है कि निर्दलीय कहीं ना कहीं बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। देखो आज जो CM राणापुर में आ रहे हैं, दौरा है उनका, तो उसमें क्या जनता को किस तरह प्रभावित कर पाएंगे क्या बीजेपी से? नहीं देखिए मुकेश जी, CM अगर आ रहे हैं और अगर ये कहा जाए कि वे जनता को प्रभावित कर लेंगे, अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, तो मैं कतई ही नहीं मानता। आम मतदाता को जो करना है वो अपने दिमाग में लिए हुए बैठा है, चाहे मनमोहन सिंह आए, नरेंद्र मोदी आए, राहुल गांधी आए, सोनिया गांधी आए, और वो कहे कि हमने भीड़ जुटा ली है, हमारे पक्ष में माहौल है, नहीं, मैं उन चीज़ों को नहीं मानता। मतदाता को जो करना है मतदाता वो सोच के ही बैठा है, इसलिए CM जो की जो सभा है तो वो कुल मिलाकर ठीक है कि पार्टी पक्ष का होने के कारण सभा हो रही है, लेकिन वो सभा में कुछ मायना नहीं रखता। मतलब आपका कहने का स्पष्ट है कि कुछ प्रभावित नहीं हो पाएंगे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मतदाता प्रभावित नहीं होगा, जो फैसले पहले से ले चुके CM साहब, CM साहब आम लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, चाहे सोनिया गांधी हो वो आए तो वो भी नहीं कर पाएगी। मतलब हम दोनों पक्षों की बात करें, एक पक्ष की बात नहीं करें, बड़ा व्यक्ति आ जाए, बड़ा नेता आ जाए और कोई कहते कि हमने लोगों को प्रभावित किया, तो मैं इस चीज़ों को नहीं मानता हूँ, मैं इसे सीधे से नकारता हूँ। देखो यहाँ जो भ्रष्टाचार, बीजेपी भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके खड़ी है, तो क्या वो सक्सेस हो पाएगा क्या? नहीं देखिए भ्रष्टाचार की जो बात करते, पिछले करीब 7 महीने से भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही बात बता रही है कि पूर्व अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार किया, ये लोगों को पता भी चल, लेकिन लोगों की मानसिकता ये है कि 7 महीने बीतने के बाद भी पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ FIR क्यों नहीं? और ये कि अगर बात मान लें तो 190 फाइलें बताई जा रही है, आप अंदाज़ा लगाइए कि यदि अगर एक फाइल अगर पढ़ी जाती है प्रतिदिन तो 190 जो फाइल है उसको पढ़ने में कितना समय लगेगा, यानी 7 माह बीत चुका है, FIR नहीं हो तो लोग ये मान लिया जाए कि कुछ लोग जानते हैं कि जो प्रक्रिया है वो धीमे होती है, कहीं ना कहीं कुछ लोग सपोर्टर हैं तो कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है इस मुद्दे को, दोनों तरह के लोग यहाँ पर देखे जाते हैं। देखो कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र करा है तो कहीं तो ऐसे लोग बता रहे हैं, जो मेरे तो जानकारी जो लोगों ने बताया है कि कहीं तो अभी नाजिया नहीं बन पाई, CC रोड नहीं बन पाई, तो ये कहाँ का कहाँ विकास हुआ फिर, तो ये तो बताइए। ये बात सही है, देखिए घोषणा पत्र में कई घोषणाएं होती है, चाहे वो यहाँ की बात करें, चाहे अन्य नेताओं की बात करें, हाई लेवल की बात करें, लेकिन वे घोषणाएं कहीं पूरी होती दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अगर इतना बड़ा शहर है, 8,000 मतदाता है, तो अगर ये सोच लिया जाए कि 5 साल में ही विकास कर दिया जाए तो ये मानने में नहीं आता। अभी था 5 साल में अगर नालियों की बात है तो नालियों का तो काम होना था, वो फिर गलत है, अगर लोग फिर नाराज भी होते हैं, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ठीक है आज नहीं तो कल होगा, अलग अलग प्रतिक्रिया है लोगों की। तो आज जो आपने जनता के बीच जो निरीक्षण करा है तो क्या राय है जनता ने, उसमें क्या स्पष्ट बताया है कि बीजेपी दे पाएंगे हम किस, तो अपनों एक आंकलन के आधार से क्या निरीक्षण हुआ? हाँ वहाँ हमने लोगों से मिले हैं तो 5 लोग बता रहे हैं कि हम परिवर्तन चाह रहे हैं, 5 लोग कह रहे हैं कि नहीं हम सहमत है पुराने पूर्व जो नगर पालिका अध्यक्ष थे केला डामोर, हम उनसे कार्यों से सहमत है। तो कुल मिला के दोनों के बीच अभी कांटे की टक्कर है, हार जीत कौन बनेगा कुर्सी, कौन जाएगा कुर्सी तक, ये कह पाना अभी कतई मुश्किल है। जो फिलहाल में जो बीजेपी ने कितने 4 कैंडिडेट की ओर से उम्मीदवारी दावेदारी थी, तो इन्होंने अभी क्या एकजुट का बता रहे हैं, तो इस बारे में क्या वो वास्तव में एकजुट हो गया क्या, बगावती कोई तो है नहीं, क्या ऐसा आपको मानना है कि? नहीं देखिए मुकेश जी, ऊपर से आज बीजेपी एकमत है, कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या वाकई अंदरूनी भी बीजेपी एक है या पीठ के पीछे वार हो, ऐसा कुछ ना हो तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने मिशन में कामयाब होगी, लेकिन यदि बीजेपी हारती है तो ये तय है कि गुटबाजी
वो ये इस तरह के बयान बड़े बड़े नेताओं के सामने आएंगे। मुकेश जी देखिए मैं बताता हूँ कि कहीं ना कहीं गुटबाजी जैसा एक अंदाज एक संकेत सा हो रहा है। और ये देखिए अगर गोविंद जी अजनार सुनीता अजनार जी अगर हारती है तो आपको मैं बताऊंगा कि यही होगा कि हमारे साथ चीटिंग हो गई है, हमारे साथ गुटबाजी हो गई है। इस तरह की बातें सामने खुलकर तभी आ पाएगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे गोपाल जी ठाकुर यहाँ से जुड़े थे राणापुर से, तो आज हमने उनसे चर्चा करी थी। आज ऐसे कोई मुद्दे लेकर कोई ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति से मिलते हैं। जय हिंद।